गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था आवर इन्वायरमेंट, तो इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पॉल्यूशन। सो एवरीवन नो अबाउट द अर्थ, प्लैनेट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट। अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और हम अर्थ को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। प्लैनेट अर्थ इज वेयर वी लीव, जहाँ हम रहते हैं वो क्या है, अर्थ है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज अवर इन्वायरमेंट, हमारे आस पास जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है देखो, है ना, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एयर है, वाटर है, ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और ह्यूमंस हैं। सो अवर अर्थ इज सिक, हमारी जो अर्थ है वो क्या हो गई है, बीमार हो गई है। कैसे बीमार हुई है, जो हमारी अर्थ है वो क्या होती जा रही है, हीट होती जा रही है ना, और उसके जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। क्लियर? तो देखो यही हमारे पास क्या है, अर्थ की प्रॉब्लम्स। मदर अर्थ इज डाइंग, हमारी जो अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सो अर्थ इज नॉट डाइंग, अर्थ इज बीइंग किल्ड, अर्थ मरती नहीं जा रही, अर्थ को क्या कर रहे हैं हम लोग, मार रहे हैं। एंड दोज वंस हु आर किलिंग हर, वो कौन से लोग हैं जो अर्थ को मार रहे हैं, दे हैव नेम एंड एड्रेसेस। हु इज किलिंग अर्थ एंड हाउ, अर्थ को कौन मार रहा है और कैसे मार रहा है, देखो मैन यानी ह्यूमन, हम लोग हैं जो अर्थ को क्या कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो, मैन इज किलिंग अर्थ बाय कॉजिंग पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हैपन व्हेन द एनवायरनमेंट इज कंटामिनेटिंग और डर्टीड बाय वेस्ट, केमिकल गैसेस एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो लैंड रन ऑफ डिस्चार्ज न्यूट्रिएंट, बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स, एयरबोर्न एमिशन फ्रॉम लैंड, मर्करी, नाइट्रस ऑक्साइड, शिपिंग स्पिल्स एंड एक्सीडेंटल स्पिल्स, ओशन डंपिंग, 1% ऑफ फॉर माइनिंग ऑयल्स एंड गैस ड्रिलिंग। देर आर द फोर मेन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। सो फोर टाइप ऑफ पॉल्यूशन डिस्कस, दिस वन इज द एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। सो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इज एक्चुअली हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच डैमेज द एनवायरनमेंट। विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री केम अलोंग द इंक्रीजेस इन एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे देखो कुछ क्या दे रखे, मैं डायग्राम्स दे रखे हैं ना, तो इस पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो धुएं, जो चिमनियों से धुआं निकलता है, उससे भी हमारे इन्वायरमेंट क्या होता है, पल्यूट होता है ना। व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी या इनसे निकलता है धुआं, उनसे भी हमारा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। और इसी तरीके से जैसे हम जंगलों को जलाते हैं, जंगल ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी पल्यूटेंट्स CO and CO2, SO2, NO, NO2, most hydrocarbon, most suspended particles, ठीक है। और ये सारे कहाँ से, देखो क्या नाम है, जगह जगह से निकल के आती हैं इनकी जो धुएँ होते हैं, और उन वो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करती हैं, स्टे कर जाती हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे HNO3, ये रिएक्शन करती हैं बाद में, SO3, H2SO4, H2O2, O3, दिस वन इज द आल्सो poisonous gases form a cloud of smoke from the execute of a smoke from factory chimney, eruption of the volcano, cigarette, burning leaves. इन सभी से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। और ये क्या है इनकी causes, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, डैमेज टू द इन्वायरमेंट, डैमेज टू द प्रॉपर्टी, थिंकिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफियर विच इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, अस्थमा, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिसीजेज, इम्यून सिस्टम डैमेज, टीवी, इंटेक्चुअल डिसऑर्डर,
बर्थ डिफेक्ट, ये सारे क्या हैं, इसके डिसीजेज हैं। सम सोल्यूशन टू द एयर पोल्यूशन, कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना। हम क्या कर सकते हैं, अपना व्हीकल चेक कर सकते हैं कि उसमें से ज़्यादा धुआं ना निकले, या फिर हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं कहीं भी आने जाने के लिए, है ना। नाउ वाटर पोल्यूशन, देखो इस तरीके से क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है, नदियों का पानी, है ना, समुद्र का पानी, वो सब क्या होता जा रहा है, पोल्यूट होता जा रहा है। तो वाटर पोल्यूशन, पानी के अंदर क्या होता है, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। इस तरीके से देखो, लोग कूड़ा कचरा भी क्या करते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, मरे जानवर पक्षी, है ना, वो सारे पानी के अंदर बहा देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसकी ये कॉजेज़ हो गए, जो हमारे सीवेज, जो सिटी के अंदर, जो शहरों के अंदर जो गंदा पानी है वो भी मतलब पानी, नदियों के पानी में बहा देती हैं, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर से जो केमिकल्स वगैरह का होता है ना, वो सारा क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। इससे क्या क्या इफेक्ट होंगे, देखो, एक तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो सारे मर जाएंगे, बर्ड्स को पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, और एग्रीकल्चर से भी क्या होगा, उनको भी नुकसान होगा, वाटर लाइफ जितनी है वो सारी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे देखो बीमारियाँ कौन कौन सी होती है, डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड, है ना, डिप्थीरिया, स्किन कैंसर, नर्व डिसीजेज, किडनी, हेपेटाइटिस। सम सोल्यूशन टू वाटर पोल्यूशन, फैक्ट्रीज शुड नॉट थ्रो देयर वेस्ट इन द वाटर बॉडी, पीपल शुड नॉट बाथ और वॉश क्लोथ इन रिवर्स और लेक, पीपल शुड नॉट टेक देयर वेस्टेज इन द रिवर। लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एग्रीकल्चर पोल्यूशन, डोमेस्टिक पोल्यूशन, हाउसहोल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये सालों तक एक जगह पे जमा करते रहते हैं। क्या होता है कि जो अर्थ की सरफेस है उसके अंदर ये सभी चीज़ों का डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, जितनी भी ह्यूमन की एक्टिविटी है उसके थ्रू क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट हो गया, ये सर इन सभी की वजह से क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या होगा, इफेक्ट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लैंडफिल स्टार्ट टू एमिट लैंडफिल गैसेस, लैंडफिल गैसेस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एनारोबिक कंडीशन दैट द ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज इन, मोस्ट वेस्ट ब्यूरीड इन द लैंडफिल गिव राइज टू द हैजर्ड एंड टॉक्सिक लिक्विड नोन एज द लीचेट्स। These leachates contaminate water sources like the groundwater below the landfill, leading to the water pollution. Besides the point mentioned above, it is also important to note that these overcrowded dumps, contaminant sites and careless disposal of waste also contribute to the air and water pollution as well as the acid rain. इसी की वजह से acid rain, इसी की वजह से water pollution, इसी की वजह से air pollution, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सिंस डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द लैंड पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, द की हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय द लैंड पोल्यूशन आर सेम एज दोज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन एंड द एडिशन आर इंक्रीज ह्यूमन इंजरीज फ्रॉम सीरंस, ब्रोकन ग्लास, कैन वॉशिंग ऑन टू द रिवर बैंक्स एंड बीचेस। सम सोल्यूशन टू लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, पीपल शुड प्लान मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कोई भी गलियों के अंदर रोड के ऊपर हम छिलके वगैरह या प्लास्टिक की कोई चीज़ें उसको हम ना फेंकें, बल्कि हम उसको क्या करें, डस्टबिन में डालें। नॉइज़ पोल्यूशन, है ना, नॉइज़ पोल्यूशन, दिस वन इज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन। लोग क्या करते हैं, देखो, लाउड स्पीकर ज़ोर से बजाना घरों में, या फिर हम क्या करते हैं ना, कई बार सॉन्ग सुनते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से डीजे वगैरह, जैसे शादियों में बजता है तो उससे व्हीकल से चलने, जब व्हीकल चलते तो उनकी जो साउंड आती है तो उससे भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये देखो, है ना, ये सब क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन, और उससे क्या होता है, एक अच्छा खासा इंसान बीमार हो सकता है। साउंड इज़ द एसेंशियल टू अवर डेली लाइफ बट नॉइज़ इज़ नॉट, नॉइज़ इज़ जनरली यूज एज एन अनवांटेड साउंड, जो हम नहीं चाहते, और साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लीजेंट, जो हमें हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, एंड डिसकम्फर्ट ऑन द ईयर्स कॉजेस रोड ट्रैफिक, फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर, अदर लाउड स्पीकर थिंग, जेट प्लान, सिनेमा, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, प्लम्बिंग, बॉयलर्स। सम सोल्यूशन टू नॉइज़ पोल्यूशन, किस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
People should not use loudspeaker. Factories should be made out of the cities. बाहर होनी चाहिए फैक्ट्री शहरों के. देयर शुड नॉट बी मोर नॉइज मेकिंग व्हीकल ऑन द रोड्स. वी डिड नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम अवर पेरेंट्स टू प्लंडर फॉर अवर सेल्फिश डिज़ायर. हम अपने डिज़ायर के लिए हम अपने अर्थ को ख़राब नहीं कर सकते. वी मेयरली बोरो द अर्थ फ्रॉम अवर चिल्ड्रन. हमें उनके लिए अपने बच्चों के लिए इसको बचा के रखना है. वी मस्ट रिटर्न टू इट देम वन डे वेरी सून. थैंक यू स्टूडेंट्स.